हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल HSM कुमाऊनी पर। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने एक जिला सीरीज शुरू की थी, लेकिन काफ़ी समय बाद हमारी ये सीरीज शुरू होने जा रही है। अब लगातार हम इस सीरीज को शुरू करेंगे। इससे पहले हमने आपको रानीखेत पर्यटक स्थल के बारे में बताया था, लेकिन उसके बाद हमारी वीडियो काफ़ी लेट हो चुकी है, तो आज हमने जिला बागेश्वर से शुरू किया है। इससे पहले हम आपको कुछ मुख्य जानकारी दे देंगे कि अगर आपको बागेश्वर जाना है उसके लिए आपको कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले आपको पता है कि रेल यात्रा मैंने आपको दिल्ली से हल्द्वानी तक बताया है, देहरादून से हल्द्वानी में बता रखा है। आप रानीखेत वाली वीडियो में इसको देख सकते हैं, क्योंकि उसमें हमने आपको कितना किलोमीटर है करके सारा बता रखा है। लेकिन कुछ जानकारियाँ रह चुकी थी जो हमने आप तक पहुँचाई नहीं। अगर आप हवाई मार्ग से उत्तराखंड आते हैं तो मैंने जौलीग्रांट के बारे में और पंतनगर के बारे में आपको शायद बताया था, आप उस वीडियो को देख लेना। लेकिन आप जो उत्तराखंड के 5 हवाई अड्डे हैं उनके बारे में बता देते हैं। अगर आप लोग को उत्तराखंड में कहीं जाना है तो आप यहाँ से भी आ सकते हैं। पंतनगर है जो कि आप दिल्ली एयरपोर्ट से लेकर के उसकी दूरी लगभग लगभग 465 किलोमीटर के आसपास है। और उसके बाद जो हमारा दूसरा है वह नैनीसैनी में है जो कि पिथौरागढ़ में पड़ता है। उसकी दूरी लगभग लगभग 493.5 यानी कि 494 किलोमीटर के आसपास है। उसके बाद जौलीग्रांट एयरपोर्ट है देहरादून में, जिसकी दूरी है 266.4 किलोमीटर यानी कि 267 किलोमीटर के आसपास लगा लेना। उसके बाद है चिन्याली सौंड जो कि उत्तरकाशी में पड़ता है, और इसकी दूरी है 383 किलोमीटर। उसके बाद है गोचर जो कि चमोली में पड़ता है, इसकी दूरी है 409.1 410 पॉइंट लगा लो किलोमीटर के आसपास, इतनी दूरी है इसकी। जो कि उत्तराखंड में 5 एयरपोर्ट हैं, पंतनगर में है उधम सिंह नगर में, नैनीसैनी पिथौरागढ़ में, जौलीग्रांट है देहरादून में, और उसके बाद है तुम्हारा चिन्याली सौंध उत्तरकाशी में, गोचर है चमोली में। अभी काफ़ी टाइम से एक संस्था है स्विट्ज़रलैंड की, उसका नाम है स्विस कनेक्ट। स्विस कनेक्ट और जो बाजपुर जो कि उधम सिंह नगर में पड़ता है, इस पर काफ़ी टाइम से एक छोटा एयरपोर्ट बनाने की एक मांग हो रही है। अगर बाजपुर का इस एयरपोर्ट बनता है ना, और तो यहाँ नैनीताल जाने वालों को और इधर कॉर्बेट वाले वालों को बहुत सुविधा होगी, ठीक है। उसके बाद हमें आज की वीडियो बागेश्वर के है, तो हम उससे ले चलते हैं बागेश्वर। पहले आपको बता दें कि बागेश्वर जाना कैसे है, बागेश्वर के लिए रास्ता कहाँ से कैसे है। दिल्ली तक का रास्ता हमने आपको बता रखा है, दिल्ली आप कैसे आएँ, दिल्ली वो आप जाने की राजधानी है दिल्ली। तो उसके बाद सबसे पहले दिल्ली बागेश्वर जाने के लिए आपको, अगर आप चिन्याली सौंध एयरपोर्ट पर उतरते हैं और वहाँ से अगर बागेश्वर निकलते हैं तो वो 127 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ से आपको बसें, प्राइवेट बसें या रोडवेज की बसें लेनी पड़ेंगी, या आपको टैक्सी करनी पड़ेंगी, जो कि आजकल भरपूर मात्रा में इनकी सुविधाएं उपलब्ध हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है दिल्ली आनंद विहार से लेकर के बागेश्वर की जो दूरी है वो है 425.3 किलोमीटर, यानी कि 426 किलोमीटर की दूरी है आसपास आनंद विहार से बागेश्वर की। अगर आप कट कट करके जाते हो तो, अगर आप कुमाऊं साइड जाते हो तो आपको हल्द्वानी साइड जाना पड़ेगा, ना कि आप इसे गढ़वाल देहरादून साइड आए। फिर वहाँ जाने के लिए मैं आपको शॉर्ट को रास्ता बताता हूँ, यहाँ से डायरेक्ट हल्द्वानी। दिल्ली से आनंद विहार से लेकर के दिल्ली से आनंद विहार से हल्द्वानी की जो दूरी है वो है 261 किलोमीटर, यानी कि 261 किलोमीटर आप बस से जा सकते हैं। बस की रूट बता रहा हूँ, एयरपोर्ट मैंने बता दिया, हल्द्वानी वाला मैंने आपको ट्रेन वाले भी रानीखेत वाले वीडियो में दे रखा है, ठीक है। हल्द्वानी से बागेश्वर की दूरी है लगभग लगभग 161 किलोमीटर, 161, यानी कि अगर आप हल्द्वानी से बागेश्वर जाते हो तो आप बसें और टैक्सी भी ले सकते हो। टैक्सी की सुविधाएं आजकल हर जगह, मैंने आपको हर बार इसको बता, अगर आपको टैक्सी नहीं मिल जाए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर इसमें दे दूंगा, क्योंकि मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो टैक्सी चालक हैं, तो उसकी सुविधाएं भी हम अपने चैनल के माध्यम से आपको दे सकते हैं। आप हमें उसका बारे में बताएं, उस पर भी मैं आपको जल्दी एक वीडियो दूंगा बना के। उसके बाद बागेश्वर, आप बागेश्वर पहुँच चुके हैं। बागेश्वर सरयू नदी और गोमती नदी के बीच में बसा है, आपको सब पता ही होगा, ठीक है। बहुत अच्छा है बागेश्वर, बहुत सुंदर दृश्य है बागेश्वर का, है ना। और यहाँ की एक सबसे बड़ी बात है, यहाँ से एक बहुत नज़दीक में एक मंदिर है सूर्य कुंड, है ना, जिसको अग्नि कुंड और सूर्य कुंड, जो कि जो सूर्य कुंड है वह उत्तर में बसा हुआ है और जो अग्नि कुंड है वह दक्षिण में बसा हुआ है, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ जो यहाँ से थोड़ी सी दूरी पर एक चंडिका मंदिर है, लगभग लगभग 400 मीटर की दूरी पर चंडिका मंदिर है, और उससे 4 किलोमीटर दूरी पर बागेश्वर बाजार से श्री हरु मंदिर है 4 किलोमीटर दूरी पर। उसके बाद यहाँ पर एक गोरी उडार है लगभग लगभग 8 किलोमीटर दूरी पर,
गोरियो डियार है 8 किलोमीटर दूरी पे बागेश्वर से, और उसके बाद में जिसको आप क्या बोल सकते हैं, एक गुप्त गुफा को बोल सकते हो ना, ठीक है। उसके बाद बागेश्वर में एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है बागनाथ का, जो कि प्राचीन शिव मंदिर है, और मकर संक्रांति के दिन यहाँ पर उत्तराखंड का सबसे बड़ा मेला लगता है ना। बागेश्वर से लगभग लगभग 3.5 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है बागनाथ मंदिर, तो इसके से ज़्यादा हम आपको क्या बता सकते हैं बागेश्वर। और आगे आप बागेश्वर जाके भी पता कर सकते हैं कहाँ कहाँ घूमना है, लेकिन बागेश्वर जाने का रास्ता और यहाँ के नज़दीक जो जगह हैं वो हमने बता देंगे। बागेश्वर अपने आप में बहुत अच्छा डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ घूमें फिरें और हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। जय देवभूमि उत्तराखंड, नमस्ते।